ब्यूटीफुल गॉर्जियस मौनी रॉय जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में तो कब का धमाका कर चुकी हैं, लेकिन अब अपने जलवे बिखेरने के लिए पतली कमरिया से आ रही हैं। म्यूजिक वीडियो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सो मच। 12 मिलियन क्रॉस कर चुका है, क्या फील करती हैं आप जब भी आपका इस तरह से गाना आता है एंड आपकी फिल्में आती हैं, आपके फैंस वाओ मौनी जी लाइक, तो आप बताइए कि क्या फील करती हैं आप? वेल ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, और देखिए गाना डांसिंग इज़ ऑलवेज बिन माई पैशन, सो आई मीन जब ये सॉन्ग भी मेरे पास आए मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसके बीट्स, जो वर्डिंग्स है दोज आर वेरी बॉलीवुड, द लिरिक्स इज़ वेरी बॉलीवुड बट द बीट इज़ वेरी हिप हॉप, समथिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। और फिर आप क्योंकि आप मेहनत करते हो, रिहर्सल करते हो, देन यू यू नो शूट द सॉन्ग एंड व्हेन ऑडियंस रिएक्ट्स टू इट नाइसली इट फील्स गुड मोस्ट डेफिनेटली, सो आई एम वेरी थैंकफुल। एंड मौनी जी मैं आपको बता दूं कि जब से ये गाना आया है, आई डोंट नो आप सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव रहती है, पतली कमरिया लोगों ने ढेरों सारा सवाल ये पूछा है कि मौनी जी की कमर का साइज क्या है, तो अगर आप एंड और एक सवाल ऐसे ये सवाल लोगों को पूछना नहीं चाहिए फिर, इट्स वेरी रूड, बता सके कि तकरीबन नो नो दिस इज जस्ट अ वेरी रैंडम क्वेश्चन, सो बट थैंक यू बहुत, आई मीन you know when people say these things it also means that they are appreciating the hard work that you've put in to look a certain way, to dance a certain way, so I like I said I'm very thankful. bilkul thank you bolenge aapko lekin aapko apna size nahi batayenge, so maintain kaise rakhti hain aap apne aap ko, apni kamar ko? a balanced diet and yoga, lots of yoga with a lot of discipline. so ab hum dekh rahe hain ki mauni ji डे बाई डे इस गाने को एप्रिसिएशन मिल रहा है, सो आप कैसे देखती हैं, आप घर वालों का क्या कुछ रिएक्शन था जब इस गाने को देखा? दे आर वेरी दे ऑलवेज हैप्पी जो भी मैं करती हूँ, अगर स्पेशली माई फैमिली माई फ्रेंड्स, अगर मैं खुश हूँ तो वो लोग खुश हैं, और सो विद दैट सॉन्ग ऑल्सो दे थॉट इट वॉज अ पेपी नंबर, और जो सबसे जो बात मुझे लगता है सॉरी आई विल जस्ट से इट, सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज़ दैट एवरीबडी इट्स अ फन सॉन्ग एंड यू सपोज टू जस्ट हैव फन विद इट, तो वैसा ही लगा उनको, एंड देन आई एम श्योर कुछ फ्रेंड्स ने ये भी बोला दैट द मोमेंट नाउ वी लाउंज इन आर होम्स एंड यू नो फ्राइडे सैटरडे वी ओनली गोइंग टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड डांस, सो इट्स अ गुड फीलिंग। या आई थिंक अब हर पार्टी में बजने वाला है आपका ये सॉन्ग, आई होप कम करे लोग पार्टी, अभी पैंडेमिक गया नहीं है बट जी बट या। शूटिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर आप थोड़ा बहुत बता सके? वी शॉट इन दुबई एंड मैंने सिंगर एंड म्यूजिशियन का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि लाइक हम ऐसे लाइक की फैमिली बन गए थे सब लोग, मौनी एंड आप अगर बता सके? जी हमने 5-6 दिन, इनफैक्ट हमने 2 गाने शूट किए हैं, एक अभी आना बाकी है और उसका भी शूट, उसका काफ़ी सारा शूट बाकी है एक्चुअली, तो जो भी आउटडोर चाहिए था उनको दुबई में वो उन्होंने वो फिनिश किया वहाँ पर, तो इट वाज लाइक लाइक दे सेड इट वाज अ फन फैमिली, आई थिंक सब एवरीबडी वाज गेटिंग अलोंग विद ईच अदर, एंड शाजिया पीयूष जिन्होंने ये सॉन्ग कोरियोग्राफ किया है, सुखी जी, तनिष्क जी, अरविंद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, डीओपी अरमिंदर सर, सो आई थिंक वी ऑल गॉट अलॉन्ग रियली वेल, और जैसा मैंने पहले बोला इतना मस्ती वाला गाना है दैट यू हैव टू हैव फन ऑन योर सेट, प्लस माई टीम इज बिन विद मी फॉर गुड, लाइक दे आर ऑलमोस्ट फैमिली बिकॉज दे आर फैमिली बिकॉज दे बिन विद मी फॉर ऑलमोस्ट 13 ईयर्स नाउ, सो या वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तो सुना आपने और एक धमाका होना बाकी है, और जी पता नहीं वो कब है, वो शूट बाकी है उसका एक्चुअली। सो लाइक मौनी जी हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम ऐसा चल रहा है कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं बैक टू बैक एंड हर किसी का म्यूजिक वीडियो लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो हम ऐसा माने कि बैक टू बैक ढेरों सारे ऐसे म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं मेरे? नहीं नहीं मेरा भी वही यही दो सॉन्ग की, इनफैक्ट I have this is Patli Kamari is my first single honestly speaking. My last time if I did something in this zone was Gali Gali Mein, but that was also for a film for KGF. So this was my this was literally this first time that I'm doing a single and a dance number. So I thought it was high time. Main miss bhi kar rahi thi dance karna bahut. So and I really like the song. तो नहीं बहुत सारे नहीं आ रहे आपका क्वेश्चन का आंसर देते हुए। तो अगला जो आने वाला है लाइक वो ऐसे रोमांटिक होगा या वहाँ भी आप अपने ऐसे जब आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में।
ओके कोई बात नहीं, अब तो 2021 की शुरुआत हो चुकी है, हर कोई पिछले साल हमने, हालांकि अभी भी थोड़ा सा पैंडेमिक है एंड लोग अब थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप कुछ अगर कुछ बता सके कि 2021 में और आपकी फिल्में एंड क्या कुछ जी आप... अभी पेंट हाउस रिलीज होने वाला है, नेटफ्लिक्स फिल्म है, अब्बास मस्तान सर ने डायरेक्ट किया है. इनफैक्ट 2020 में भी आई वॉज शूटिंग फॉर लंडन कॉन्फिडेंशियल इन लंडन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, सो आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल ऑनेस्टली. और देखिए दो तीन चीज़ें हुई हैं साइन, बट आई लेट द मेकर्स अनाउंस इट. सो फॉर नाउ इट्स पेंट हाउस एंड वी आर ऑल वेटिंग ईगरली फॉर ब्रह्मास्त्र. So let's see. सभी को भी, मैं भी आपके साथ मैं भी वेट कर रही हूँ, बेसब्री से इंतजार है आपकी सारी फिल्मों का एंड ब्रह्मास्त्र का. एंड जब भी फ्री होती हैं तो लाइक किस तरह के गाने सुनती हैं, क्योंकि ये म्यूजिक वीडियो है एंड मैं ज्यादा पढ़ती हूँ. पर जब भी फ्री होती हूँ मैं गाने सुनती हूँ, कार गाड़ी में या फिर जब रिहर्सल हॉल में होती हूँ तब. सब फिक्शन नॉन फिक्शन एवरीथिंग, आई लाइक अ गुड रीड गुड बुक. चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जब से लाइक आप इस इंडस्ट्री में आई हैं, जैसे कि आप हमने नागिन देखा जी, मतलब फैंस ने ऐसे जब भी आपका ऐसे क्रेजी हो जाते थे कि कब हमें, कब ये टीवी पर आने वाला है ना, अब हमने आपकी फिल्म देखी ना, अब द सॉन्ग पतली कमरिया देख रहे हैं, सो ऑडियंस का इतना जो प्यार मिलता है, मौनी जी कैसे फेस करती हैं आप, कैसे हैंडल करती हैं? With humility, I guess, and with a lot of gratitude, because when you are an actor and when you are anybody in this industry, whether you're in the cast or in the crew, it is very important for any creative person ki jab log aapko appreciate karte hai tab aapko at least ye pata hota hai ki aap right direction mein ho. Obviously, you know, I am because of my fans or people who appreciate my work, people who've for so many years, for 13, 14 years now, have given me so much love and affection. So I'm indebted forever. मैं ऐसा मैं कुछ भी करूँ, कोई भी words बोलूँ, कुछ भी adjectives use करूँ, it's not enough for me to describe what I feel. I genuinely feel overwhelmed and I feel that love, and every, like you said, every single time that I'm doing something even very very small, I get so much of love. Sometimes मुझे ऐसे होता है कि you know, I wish I could do more and I wish you know I could talk to everyone and hug everyone and say a thank you. So here is me saying the biggest thank you for giving this love song so much love. We want more love though, so please if you haven't seen it, go watch it and you can make your fun videos and reels as well. So thank you. तो सुना आपने फैंस को, और एक आपकी जो प्रोजेक्ट है उसका बहुत बेसब्री से इंतजार है, ब्रह्मास्त्र, जितना कुछ आया है सामने, तो अगर आप बता सके कि मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि वो कब रिलीज होने वाला है, बट आई थिंक इट्स अ फिल्म, शूटिंग मेरी खत्म हो गई है, दिसंबर में खत्म हो गई, बट आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट पीपल विल बेस्ट एंजॉय इट इन अ थिएटर, सो वी आर ऑल वेटिंग. मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब रिलीज डेट आएगा उसका. क्या बात, तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं बैक टू बैक आपके सारे प्रोजेक्ट का और म्यूजिक वीडियो का, ब्रह्मास्त्र का, आपकी सारी फिल्मों का. थैंक यू सो मच, थैंक यू करने के लिए मौनी जी. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू.